मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पिछली कक्षा में मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को बताया था कि संज्ञा तीन कारणों से बदलता है। संज्ञा का रूप तीन कारणों से क्या है, वह लिंग, वचन, कारक। तो लिंग हमने जाना, लिंग कितने प्रकार हैं? दो प्रकार, पुंलिंग, स्त्रीलिंग, उसके बारे में जाना है। और वचन, वचन कितने प्रकार हैं? वो भी दो प्रकार हैं। क्या है वह? एक वचन, बहुवचन। और उसके नियम, वचन के जो नियम कितने हैं? छह नियम हैं। तो उन नियमों को भी जाना है हमने। वह किस तरह एक वचन में से बहुवचन में बदलता है? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुवचन एक वचन सेम होता है। सो उन छह नियमों के आधार पर हम कुछ वर्कशीट्स भी प्रैक्टिस किए हैं। और आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक लूंगी, न्यू टॉपिक, दैट इज कॉल्ड कारक। तो इन तेलुगु विभक्तुलु, याद आया? विभक्तु सो हिंदी में कारक, इन इंग्लिश प्रिपोजिशन, आर इन योर टेक्स्ट बुक गिव केस, CASE, केस। तो ये भी दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में, यानी प्रीवियस क्लास, सिक्स्थ क्लास में। ओके, तो आज हम जानेंगे कारक क्या है, तो वह किसके लिए यूज होता है। ओके, व्हाई यू आर यूजिंग दैट प्रिपोजिशंस। ओके, कारक डेफिनेशन। संज्ञा या सर्वनाम, तुमको पता है संज्ञा, नेम ऑफ वर्ड्स, थिंग्स, प्लेसेस। ओके, नेमिंग वर्ड्स नाउन। सर्वनाम प्रणाम, जिसके जिस रूप से क्रिया का उससे संबंध, क्रिया का उससे संबंध, क्रिया का यानी वर्ब, उससे संबंध जाना जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम? कारक कहते हैं। तो संज्ञा हो या सर्वनाम, जो भी हो, जो काम करता है, तो संज्ञा और क्रिया से संबंध, संज्ञा और क्रिया का संबंध जानने के लिए जिसका उपयोग करते हैं वह कहलाता है कारक। ओके, तो यह है कारक। क्या है डेफिनेशन? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का उससे संबंध जाना जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम? कारक कहते हैं। तो इसके लिए कारक के पूरे आठ भेद हैं, आठ, एट डिफरेंसेस आर देयर। तो कारक के कितने भेद हैं? आठ। कितने भेद हैं कारक के? आठ, आठ भेद हैं। सो वह है, पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, करण कारक, चौथा, फोर्थ वन, संप्रदान कारक। फर्स्ट वन कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, ये चार। और रिमेनिंग फोर, पांचवा अपादान कारक, छठवां संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, एटवां आठवां संबोधन कारक। ओके, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये है कारक के आठ भेद। तो इसके लिए कुछ चिन्ह है, कारक चिन्ह, प्रिपोजिशंस। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। यह प्रिपोजिशंस के सहायता से हम वाक्य का प्रयोग करते हैं। मैंने लिखा, किससे लिखा? हाथ से लिखा, मैं हाथ लिखा, इसके लिए कोई मीनिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैं हाथ लिखा, ये सेंटेंस रॉन्ग है, से हम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते। तो इसके लिए
कारक की सहायता होती है। कारक की सहायता से हाँ इस सेंटेंस को पूरा करना चाहिए हमें। विदाउट कारक हम यह सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। सो जब भी हम वाक्य का प्रयोग करते हैं सेंटेंस लिखते समय इन कारक चिन्हों का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेंटेंस फॉर्मेशन। बट केस प्रीपोजिशन कारक चिन्ह कारक ओके। सो यहाँ पर मैं हाथ लिखा ये रंग है सेंटेंस माय हाथ से लिखा। अब भी यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पे मैंने हाथ से लिखा। सो यहाँ पर दो कारक चिन्हों का प्रयोग किया है मैंने। सो इससे यह वाक्य पूरा होता है। इसके बिना यह वाक्य अधूरा है इनकम्प्लीट। जब मैंने हाथ से लिखा अब यह वाक्य कंप्लीट हुआ। सो इसके लिए वाक्य से सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हमें कारक चिन्हों का उपयोग करना बहुत जरूरी है। कारक कितने हैं कितने बताया मैंने कारक के भेद 8 भेद बताया मैंने क्या। तो उसमें जो पहला है कर्ता कारक। तो यहाँ पे कर्ता क्या है सब्जेक्ट कर्ता सब्जेक्ट। तो कर्ता कारक तो डिफिनेशन क्या है क्रिया के क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। तो जो काम करता है जो काम कर रहा है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। तो यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ क्या कर रही हूँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो आई एम ए सब्जेक्ट मैं यहाँ पे करता हूँ मैंने पाठ पढ़ाया पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर कर्ता कारक क्या है डेफिनेशन काम करने वाले को यानी क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण देखेंगे उदाहरण क्या है जीविका चिड़ियाघर देखा जीविका चिड़ियाघर देखा। तो यहाँ पे यह सेंटेंस कंप्लीटेड और इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट है यहाँ पे बाय यहाँ पे कर्ता कारक के लिए हमने चिन्ह प्रयोग नहीं किया प्रीपोजिशन यूज नहीं किया है यहाँ पर। तो यह सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो क्या आना चाहिए जीविका ने चिड़ियाघर देखा क्या देखा जीविका ने चिड़ियाघर। सो यहाँ पे ने का प्रयोग हुआ है। इसके बिना ये कारक चिन्ह के बिना यह अधूरा है इनकम्प्लीट सेंटेंस। व्हेन आई यूज ने दैट द सेंटेंस इज कंप्लीटेड ओके। सो यहाँ पे कर्ता कारक में ने का प्रयोग होता है। नेक्स्ट बच्चों खाना खाया ये भी कंप्लीटेड है इनकम्प्लीट यस इनकम्प्लीट। सो यहाँ पर भी ने का प्रयोग होना चाहिए ने का प्रयोग बच्चों ने खाना खाया। अब यह सेंटेंस फॉर्मेशन इज करेक्ट नाउ व्हाई बिकॉज़ आई यूज्ड हियर प्रीपोजिशन ओके ने प्रीपोजिशन ने का चिन्ह प्रयोग किया हमने यहाँ पर ओके। मैं पाठ पढ़ाया ये भी इनकम्प्लीट है यहाँ पर क्या आना चाहिए मैंने पाठ पढ़ाया। आप कहानी सुनाई ये भी इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे आपने कहानी सुनाई। सो इसमें कर्ता कारक यानी हम जब सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं जब ने का होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसके बिना एक सेंटेंस पूरा नहीं होता इनकम्प्लीट सेंटेंस। जब हम ने का प्रयोग करते हैं जब ही वह कंप्लीट होता है वाक्य
सो यहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि कर्ता कारक में, कर्ता कारक में किसका प्रयोग होता है, कर्ता कारक में प्रयोग होने वाला कारक क्या है, क्या है कर्ता कारक में प्रयोग होने वाला कारक? गुड, ने, ने का प्रयोग करना चाहिए। तो यह कर्ता कारक का कारक क्या है, ने। तो यह है कर्ता कारक की परिभाषा विद एग्जांपल्स। ओके नाउ दूसरा, दूसरा क्या है, कर्म कारक यानी ऑब्जेक्ट। क्रिया का फल वाक्य में जिस शब्द पर पड़ता है, हम क्रिया कर रहे हैं लेकिन उसका इफेक्ट जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, हम कर्म कारक कहते हैं। तो क्रिया यहाँ पे करते हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ, व्याकरण यानी ग्रामर। तो मेरे इफेक्ट में जो पढ़ा रही हूँ उसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, व्याकरण पर, ग्रामर पर पड़ रहा है। तो वह कहलाता है कर्म कारक। ओके, क्रिया का फल वाक्य में जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो उदाहरण, तुम सामान उठा लो। तो यहां पर भी यह सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है यहां पर। तो यहाँ पे कुछ लोप है यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने केस नहीं लिखा यानी कारक चिन्ह नहीं है यहाँ पर। तुम सामान उठा लो यानी यह कंप्लीट नहीं है, किसको उठाना है, किसको, सामान को, किसको उठाना है, सामान को। तो यहाँ पर के को का प्रयोग करना चाहिए, तो यह को होता है कर्म कारक। तो सामान उठा लो, यह इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, जब के को का प्रयोग करते हैं हम यहाँ पर इसका प्रभाव किस पर पड़ा है, सामान पर। सो यहाँ पर को को उपयोग करना चाहिए, तो यह कहलाता है कर्म कारक। यहाँ पे हम पुस्तक चाहिए, ये भी इनकम्प्लीट है, क्या आना चाहिए यहाँ पर, हमको, हमको पुस्तक चाहिए, हमें पुस्तक चाहिए, हमको पुस्तक चाहिए, उस टैशाम चाहिए को, उसको आम चाहिए, उसको आम चाहिए। तो यह यहाँ पर कर्म कारक में को का प्रयोग होता है। तो कर्म कारक का, कर्म कारक में प्रयोग होने वाला कारक चिन्ह क्या है, क्या है, को। कर्म कारक में प्रयोग होने वाला कारक क्या है, खो, खो का प्रयोग हम करते हैं। तो यह हुआ कर्म कारक। और दूसरा, सॉरी तीसरा जो है करण कारक, वह अब जानेंगे। ठीक है, अब तीसरा, तीसरा कारण, तीसरा क्या है कारक, करण कारक, तीसरा क्या है करण कारक। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने का साधन, क्रिया करने का साधन, हम जिसके द्वारा काम कर रहे हैं, जिसका प्रयोग करते हैं, जिसका उपयोग, जिस साधन का उपयोग करते हैं,
साधन का बोध होने वाला ही यहाँ पे क्या है, करण कारक के क्या है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने का साधन का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक। एग्जाम्पल, मैं साइकिल घर जाता हूं, मैं साइकिल घर जाता हूं, यह तो सेंटेंस फॉर्मेशन है, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। सो यहां पे कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। सो यहां पर मैं, साधन क्या है यहां पर, साधन साइकिल। सो साइकिल घर जाता हूं, मैं साइकिल घर जाता हूं, इस पर कोई कारक नहीं है यहां पर। साधन तो है लेकिन साधन का प्रयोग करने के लिए चिन्ह का प्रयोग करना है, तो वही क्या कहलाता है, करण कारक। तो मैं साइकिल से घर जाता हूं। सो यहां पर कारक, करण कारक क्या है, क्या है करण कारक, से, मैं साइकिल से घर जाता हूं। तुम कलम लिखते हो, यह भी साधन साधन है लेकिन इस कारक का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या आना है, कलम से भी लिख सकती हैं, कलम से लिखते हो और कलम के द्वारा भी लिख सकते हैं, कलम के द्वारा ये भी से भी लिख सकते हैं, हम के द्वारा भी लिख सकते हैं। तुम कलम के द्वारा लिखते हो, तुम कलम से लिखते हो, से का प्रयोग भी कर सकते हैं, के द्वारा भी हम प्रयोग कर सकते हैं। सो यहाँ पर करण कारक का चिन्ह दो रूप से हम कर सकते हैं, से और के द्वारा। सो यहाँ पर साइकिल कलम, यह क्या हुए, साधन। सो इसका प्रयोग, साधन का प्रयोग करने के लिए हम चिन्ह का प्रयोग करना है हमें, वही से के द्वारा। तो यह क्या हुआ, सो करण कारक में प्रयोग होने वाला कारक चिन्ह क्या है, करण कारक में प्रयोग होने वाला कारक क्या है, से, ये भी लिख सकते हैं, के द्वारा भी लिख सकते हैं। तो यह हुआ करण कारक। ठीक है, आज हमने कक्षा में कारकों के बारे में जाना है, कारक के भेद आठ है ना, तो मैं आज आपको लिए तीन बताया है, और एक बार हम रिकॉल करें, पुनरावृत्ति करें। तो संज्ञा के बदलने के कारण क्या कितने हैं, तीन है, क्या, लिंग, वचन और कारक। तो कारक क्या है, मीनिंग डेफिनेशन क्या है, संज्ञा है सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का संबंध जानना, संबंध जानना ही कारक कहलाता है। कारक के कितने भेद हैं, आठ भेद हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो यह आठ कारक हैं। तो कारक के भेद आठ है, कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। सो हमें कर्ता के बारे में जाना, कर्ता में कारक चिन्ह क्या है, ने, कर्म, कर्म में क्या है, कर्म में को, कारक चिन्ह को, करण में से और के द्वारा। सो इन कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम
रिमेनिंग जो भेद है उनके बारे में जानेंगे। ओके।